सीरियल नथ कृष्णा और गौरी की कहानी में कृष्णा कन्या को खाना खिलाती है और नकली पति से कहती है कि मेरी मदद करोगे। वह बोलता है हाँ मैं जरूर करूंगा, कहती है रुको मैं तुम्हारे टेंटू का सच सामने लाती हूँ। यहाँ पर जो जीत है उसके घर में भी कन्याओं का निमंत्रण है और इधर सारी कन्याओं के पैर धुलती है, अपनी बेटी के भी धुलती है, कहती है आज तुम माता का रूप हो। और फिर सबके पैर पहुंचती है और पैर धुलकर पहुंचकर बिठाल देती है। दादी कहती है जाओ पुड़ी सेको और फिर वह सेकने चली जाती है। यहाँ पर सारी कन्याओं को फिर चुनरी उढ़ाती है, उन्हें टीका लगाती है और तैयार कर देती है। तभी फिर दादी बोलती हैं जल्दी जाओ देर हो जाएगी और वह जाकर पूरी सेकने लगती है। गैस खत्म हो जाती है तो कहती है चूल्हे में बनाना पड़ेगा। वह बोलती है तुम आग लगाओ मैं आती हूँ लेकर सामान। और जैसे ही वह आग लगाता है कहती है रुको अब तुम्हारी चमड़ी निकल जाएगी जो नकली है। तेल डालती है और बोलती है चलो पूरी सेके। वह पूरी बेलती है और उसका नकली पति पूरी सेकने लगता है। वह कहती है रुक जाओ चमड़ी जब ये पिघल जाएगी तो मैं बताऊंगी कि यह असली टैटू है या नकली है जो गोपिका कृष्णा नाम का तुमने बनाया है। और वह पूरी सेकने लगता है तभी थोड़ी थोड़ी चमड़ी खराब होने लगती है। बाहर आकर दादी से कहती है दादी बस पूरी सेकने वाली है, हम और सेक रहे हैं। यहाँ कन्याएं खाती हैं और सोचती है कि मैं कब इसका साथ सामने लाऊं। तभी गौरी उसे फ़ोन लगाती है बार बार और वह फ़ोन नहीं उठाता है। तो गौरी मैसेज करती है कि अब अगर फ़ोन नहीं उठाओगे तो तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगी। तब वह कहता है मैं आ रहा हूँ जरूरी फ़ोन कॉल है। फ़ोन करके तो पीछे से हाथ पकड़ लेती है। कृष्णा कहती है कि रुक जाओ किसका जरूरी फ़ोन है और रुको मैं बताती हूँ कि यह टैटू असली है नकली। पकड़कर चमड़ी हाथ की और निकाल देती है और बाहर आ जाती है। कहती है जब मैं टैटू बना रही थी तभी समझ गई थी कि यह नकली चमड़ी है और तुमने यह मन जीतने के लिए गोपिका का बनाया था। वह बोलता है तुम टैटू वाली थी? तो कह रही थी हाँ मैं ही थी और मैं पहले ही जान गई थी। इतने साल मैं इंस्पेक्टर थी, मैं देखकर पहचान जाती हूँ कि चमड़ी असली है या फिर नकली है। वह सोचती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला। तो कृष्णा कहती है मुझे पहले से पता था, जैसे इस नकली टैटू का सच सामने ला दिया वैसे ही मैं तुम्हारे नकली पति होने का सच भी सामने ला दूंगी। सब कुछ गौरी फोन पर सुन रही होती है और सुनकर डर जाती है।